दोस्तों आज आपके लिए मैं दही अरबी शेयर कर रहा हूँ। ये रेसिपी मैंने बनाई है। ये रेसिपी में मैंने दही इस्तेमाल किया है। दही के अंदर अरबी को बनाया है। अरबी मैंने पहले फ्राई करी है। फ्राई करने के बाद में उसको मसाले जो वो दही में मिक्स करके उसको तैयार किया है। बहुत ही सिलेक्टेड मसाले इसमें यूज़ किए, लाइट मसाले, और उनका एक कम्बिनेशन बनाया है। बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसको बना के एक बार ट्राई कीजिएगा और बनाइए और एन्जॉय कीजिए। दही अरबी बनाने के लिए यह मैंने 250 ग्राम अरबी लिया है। उनको बॉईल करके अच्छी तरीके से, बॉईल करने के बाद में इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। प्रेस करके अभी हम इसको बनाएंगे। दही अरबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये 3 चम्मच दही लूंगा। ये 3 चम्मच मैंने दही ले लिया। इसमें वन फोर टीस्पून मैं धनिया यूज करूंगा। बहुत 1/4 टीस्पून धनिया। उसके अलावा थोड़ा सा मैं हल्दी यूज करूंगा। थोड़ा सा इसमें मैं अजवाइन यूज करूंगा। टेस्ट के अनुसार से मैं इसमें रॉक साल्ट इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा ये लौंग का पाउडर इस्तेमाल करूंगा। लौंग को मैंने पीस के रखा हुआ है, उसका थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इसमें हींग इस्तेमाल करूंगा। 1 चम्मच, 1/4 चम्मच मैं इसमें अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा ये सौंफ का पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून तो थोड़ा कम, ये जीरा पाउडर, शिमला मिर्च रेड कलर, ये तीखी नहीं है, इसको खाली कलर के लिए और टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। सारे मसालों को इस दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। मिक्स करके इसको बाद में अरबी के मसाले के लिए यूज़ करूंगा। ये थोड़ा सा दो मैंने ग्रीन चिली चॉप करके पानी में भिगो कर रखा है, और थोड़ा सा मैंने अदरक चॉप करके रखा हुआ है, और 1 नींबू, ये मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। अब हम इसको बनाते हैं। अरबी को पहले फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैं 3-4 चम्मच ये मस्टर्ड ऑयल लूंगा। मस्टर्ड ऑयल हमेशा जो है ना, इसको गर्म करके और स्मोक आने तक वेट करना चाहिए, उसके बाद इसको यूज करना चाहिए। अब ऑयल में स्मोक आ गया। अब ये ऑयल फ्राई करने के लिए तैयार है। तो अब इसमें हम ये सारी अरबियों को ऐड कर देंगे। अब गोल्डन फ्लाई होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अरबी सेलेक्ट करते समय हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अरबी उगालने के बाद जब उसको प्रेस करते हैं तो एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए। अरबी ज़्यादा हार्ड होगी तो उसमें टेस्ट कम आएगा। अरबी एकदम सॉफ्ट होगी तो उसको बनाने में, उसको खाने में बहुत ही अच्छी अरबी होगी और उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब करीब 2 मिनट हो गए तो ज़रा हम इसको देखेंगे, अगर ये पीछे से तैयार हो गई तो उसको पलट देंगे। तो हमारी एक साइड से थोड़ा कलर लेना शुरू कर दिया, फ्राई होना शुरू हो गई है, तो हम इसको दूसरी साइड से उसको पलट देंगे।
चार मिनट में अरबी फ्राई हो गई है दोनों साइड से। अब हम इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। अभी समझ में, हम जो मैंने मसाला तैयार किया था उस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। इसको एक दो मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो उसमें अरबी ऐड कर देंगे। मसाला तैयार हो गया। और इसमें अरबी ऐड कर देंगे। अब इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि मसाला भी तैयार है, अरबी भी तैयार है। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करके एक मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए इसको बस इस तरीके से, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना अच्छी तरीके से अरबी में चला जाए, एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें नींबू जो लिया हुआ था, नींबू हम इसको ऊपर से इसमें नींबू को निचोड़ देंगे। जो ग्रीन चिली और अदरक लिया हुआ था, थोड़ा चॉप किया हुआ, उसको थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। बाकी हम गार्निश करने में यूज करेंगे।